सभी टीचर को मैं नमस्कार। दीक्षा स्कोट प्रशिक्षण गणित शिक्षण में आकलन इस मॉड्यूल में कुल 5 भाग हैं। पांचों भाग में पूछे गए सभी प्रश्न का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला कोर्स से परिचय। गणित में आकलन कोर्स से परिचय इस मॉड्यूल में पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। हमारा ध्यान बच्चे के आकलन पर न होकर किस पर होगा? आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। तो पहला ऑप्शन, आकलन क्या है इसे कैसे करें। दूसरा ऑप्शन, परीक्षा पत्र के लिए अच्छे और मुश्किल पत्र कैसे बनाएं। तीसरा ऑप्शन, अधिकारियों को आकलन का सही विवरण कैसे दें। चौथा, सीखने सिखाने और आकलन को कैसे बेहतर करें। पाँचवा, सतत और व्यापक आकलन कैसे करें। छठा, परीक्षाओं में बच्चे को अंक के स्तर पर कैसे बढ़ाएं। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर फोर्थ। ये दोनों पर क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। ये वाला भाग आपका समाप्त हो जाएगा। अगले भाग में जाने के लिए अपने फोन का बैक स्क्रीन पर क्लिक करें और भाग वन पे आए। सेक्शन वन। इस मॉड्यूल में भी आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे। गणित में आकलन भाग वन, आकलन कुछ उद्देश्य। तो पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। इन दोनों स्थितियों में क्या अंतर है? निर्देशों की भाषा। दूसरा, आकलन के उद्देश्य। तीसरा, बच्चों से अपेक्षा। चौथा, परीक्षा पत्र का रूपा प्रारूप। इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा सभी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे, फोर्थ पे क्लिक करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। आखिर बच्चे को ऐसा चुनौती पूर्ण काम देने से क्या होगा? पहला ऑप्शन, बच्चे के बीच प्रतियोगिता भाव बढ़ेगा। दूसरा ऑप्शन, बच्चे सीखने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तीसरा, बच्चे की समझ का स्तर बढ़ेगा। चौथा, बच्चे में जीवन की चुनौती का सामना करने का साहस बढ़ेगा। तो इसका सबसे सही और सटीक विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चे सीखने के लिए प्रोत्साहित होंगे, और ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चे की समझ का स्तर बढ़ेगा। ये दोनों पर क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अगर बच्चे इस तरह सीखने के उद्देश्य और आकलन के मापदंड जानेंगे तो उसके सीखने की प्रक्रिया पर क्या असर होगा? पहला ऑप्शन, कक्षा की प्रक्रिया या शिक्षक के फीडबैक दे पाएंगे। दूसरा ऑप्शन, अपने सीखने के वर्तमान स्तर को जान पाएंगे। तीसरा, गणित के अवधारणाओं में प्रक्रिया को सीखने में सक्रिय होंगे। चौथा, सीखने और खुद की समझ के बारे में अपने आप से सवाल पूछ पाएंगे। पांचवा, अपने सीखने के प्रक्रिया को जांच कर पाएंगे। तो इसका सबसे सही और सटीक विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फाइव। ये चारों पर क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ये वाले भाग आपका समाप्त हो जाएगा। अब भाग टू में जाएं, अपने फोन का बैक स्क्रीन पर क्लिक करें और भाग टू में आ जाएं। भाग टू, गणित में आकलन। इस भाग का पहला प्रश्न यह है, गणित के किस पहलू का आकलन करना चाहिए? आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। सूत्र यानी फॉर्मूला याद होना। दूसरा, अवधारण और प्रक्रिया की समझ को समस्या सुलझाने में इस्तेमाल करना। तीसरा, सूत्रों का इस्तेमाल करके सवालों को हल निकालना। चौथा, समस्याओं और समझ कर उन्हें हल करने की लगन दिखाना। पांचवा, विभिन्न आकृति और
उनके भागों को नाम दे पाना। दूसरा, तर्क सोच के आधार पर अपनी और दूसरे की गणितियों सोच का विश्लेषण करना। नेक्स्ट, गुना के पहाड़ों को लिख पाना। नेक्स्ट, सटीकता से सोच पाना। तो इसका सबसे सही और सटीक विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समस्याओं और समझकर उनके हल करने का लगन दिखाना और सटीक से सोच पाना। ये दोनों पर क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। इन दोनों उद्देश्य में क्या अंतर है? पहला, हल किए जाने वाले सवाल में। दूसरा, अवधारण के बीच के रिश्ते में। तीसरा, बच्चे के स्तर पर। चौथा, रोजमर्रा के समस्याओं में। तो इसका सबसे सही और सटीक विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समस्या के स्तर में। इस पर क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। गणितीय बातचीत में हमें बच्चे के किन गणितीय कौशल के बारे में पता चल सकता है? पहला ऑप्शन, एक दूसरे से और समूह में बातचीत करना। दूसरा, स्पष्ट और उपयोगी तर्क से अपने सोच पाना। तीसरा, अपने व्यवस्थित विचारों और राय को बताना। चौथा, समस्याओं को हल करते समय अपनी सोच को व्यक्त करना। तो इसका सबसे सही और सटीक विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्पष्ट और उपयोगी तर्क से अपनी सोच बढ़ाना, और ऑप्शन नंबर 4, समस्याओं को हल करते समय अपनी सोच को व्यक्त करना। ये दोनों पे क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करें। तो नेक्स्ट प्रश्न, ये वाले भाग आपका समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट भाग में जाने के लिए अपने फोन का बैक स्क्रीन पर क्लिक करें। सेक्शन 0.3, गणित में आकलन, भाग 3, आकलन के तरीके। इस भाग का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। मैंने गणित पढ़ाने में कई चूक तो नहीं की? आपके अनुसार मैं और क्या कर सकती थी? पहला ऑप्शन, ग्राम किलोग्राम से जुड़े सवाल और दिए जा सकते थे। दूसरा ऑप्शन, प्रतियोगिता में जाने की तैयारी और बेहतर हो सकती थी। तीसरा, भार को समझने की तैयारी को जांचा जा सकता था। चौथा, प्रतियोगिता के सवाल पहले से ही पता लगा जा सकते थे। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भार को समझाने की तैयारी को जांचा जा सकता था। इस पर क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। आपको क्या लगता है कि आकलन करने के लिए और क्या इस्तेमाल किया जा सकता था? इसका पहला ऑप्शन, अवलोकन। दूसरा, प्रश्न पूछना। तीसरा, डायरी लिखना। चौथा, परीक्षा देना। और पांचवा, बातचीत करना। और छठा, मॉड्यूल बनाना। तो इसका सबसे सटीक और सही और सटीक आंसर हो जाएगा अवलोकन, प्रश्न पूछना, डायरी लिखना, परीक्षा देना, बातचीत करना और मॉड्यूल बनाना। सभी पे क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। अवलोकन करने से क्या होगा? पहला ऑप्शन, बच्चे का हमेशा अवलोकन हो रहा होगा, आकलन हो रहा होगा। दूसरा ऑप्शन, परीक्षा और टेस्ट के अलावा प्रक्रिया देखेगी। तीसरा ऑप्शन, तर्क सोच अनुमान लगाना जैसे कौशल का अवलोकन होगा। चौथा, बच्चे की समझ बढ़ेगी। तो इसका सबसे सही और सटीक विकल्प हो जाएगा परीक्षा और टेस्ट के अलावा प्रक्रिया देखेगी। और दूसरा, तर्क सोच अनुमान लगाने जैसे कौशल का आकलन होगा। और तीसरा, बच्चे की समझ बढ़ेगी। ये तीनों पर क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो ये वाले भाग आपका समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट भाग में जाने के लिए अपने फोन का बैक स्क्रीन पर क्लिक करें। सेक्शन
सेक्शन 0.4 टीचर ऐप। गणित में आकलन भाग 4 अवलोकन के बाद इस मॉड्यूल में पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। आपके अनुसार इन दोनों में से कौन सा फीडबैक बच्चे की और आगे समझ बनाने और मौजूद स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगी? तो उसका सबसे सटीक विकल्प हो जाएगा कृष्णा। कृष्णा पर सबमिट करने के क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ स्क्रीन पर इस तरीके से हैं। फीडबैक के बारे में वे विकल्प चुनना जिससे यह साबित किया जा सकता है कि कृष्णा जी का फीडबैक सीखने के लिए बेहतर रहेगा। पहला ऑप्शन बच्चे के स्तर के ध्यान में रखना, दूसरा ऑप्शन सीधे रेखा में लिखना, तीसरा आसान भाषाओं में लिखना, चौथा हल करने के तरीके के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। तो उसका सबसे सटीक विकल्प हो जाएगा बच्चे के स्तर को ध्यान में रखना और हल करने के तरीके के बारे में सोचने के प्रोत्साहित करना। ये दोनों पर क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर हैं। आपके अनुसार विस्तार से फीडबैक देने से बच्चे को जिन पहलुओं में मदद मिल सकती है? पहला ऑप्शन अवधारणाओं की समझ को गहरा करने में, दूसरा नए तरीके को ढूंढने में, तीसरा उत्तर सही है या नहीं पता करने में, नई अवधारणाओं में जुड़ने में, दूसरा नेक्स्ट परीक्षाओं के सवाल को पता करने में, नेक्स्ट गति में बातचीत को विकसित करने में। तो उसका सबसे सही और सटीक विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अवधारणाओं की समझ को गहरा करने में, नेक्स्ट नए तरीके को ढूंढने में और तीसरा नए अवधारणाओं से जोड़ने में। इन तीनों पर क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। अभी तक हमने जो बातचीत की उसके बारे में सोचे और बुझे कि सहपाठियों द्वारा किया गया आकलन और फीडबैक प्रक्रिया फीडबैक का ही हिस्सा क्यों होगा? पहला ऑप्शन सहपाठियों के प्रक्रिया पर फीडबैक देना आसान है, दूसरा सिर्फ शिक्षक ही बात करते हैं कि उत्तर सही है या गलत, तीसरा सहपाठियों के साथ प्रक्रिया पर बातचीत करना जरूरी है। तो उसका सबसे सटीक विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड। ये दोनों पर क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम बच्चे को सही उत्तर या गलत प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं। तो इसका सबसे सही और सटीक विकल्प हो जाएगा, इसके दो ऑप्शन है सही और गलत। तो गलत वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे। कार्य अनुसार फीडबैक बच्चे को खाली स्थान को सुधारने में मदद करते हैं, हल प्रक्रिया एल्गोरिथम, तीसरा उत्तर। तो इसका सबसे सही और सटीक विकल्प हो जाएगा प्रक्रिया एल्गोरिथम। ये दूसरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। प्रक्रिया यानी प्रोसेस अनुसार फीडबैक से बच्चे खुद के सोचने के पैटर्न पर ध्यान दे पाते हैं, सही या फिर गलत? तो उसका सबसे सही विकल्प हो जाएगा सही पर क्लिक करें। सही पर क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर। तो ये वाले भाग आपका समाप्त हो जाएगा। बधाई हो, यह कोर्स समाप्त हुआ। यदि आप भाग 5 नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे या फिर आई बटन में दे देंगे, ठीक है, वहाँ से जाकर आप दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।